हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट सच सेवा मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलीनोमियल्स, एक्सरसाइज 2.4। क्वेश्चन 9 तक हमने किए थे। लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। 27 आई कैन राइट इट एज 3q, 27 एंड 125 इज 5q। हमने कल क्वेश्चन नंबर 9 में दो और आइडेंटिटीज की थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। सो दैट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो वी विल यूज दिस आइडेंटिटी हियर। सो एक्स प्लस वाई, एक्स हियर इज 3y एंड वाई इज 5z। नाउ एक्स स्क्वायर, 3y का स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो व्हाट वी गेट, 3y प्लस 5z, 3 स्क्वायर इज 9, y स्क्वायर 3 5s आर 15, yz 5 स्क्वायर इज 25z स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर। दीज आर द फैक्टर्स। सो मूविंग टू द सेकंड पार्ट, वी कैन राइट 64 एज 4q, 343 इज 7q। नाउ वी विल यूज द आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। सो ओपन द ब्रैकेट, 4m माइनस 7n, 4 स्क्वायर इज 16, 4 सेवन आर 28, mn प्लस 7 स्क्वायर इज 49, n स्क्वायर। तो ये दो आइडेंटिटीज हैं जो हमने कल की थी। दीज टू न्यू आइडेंटिटीज आर देयर। कल हमने चार आइडेंटिटीज और पढ़ी थी, तो टोटल हमारी 10 आइडेंटिटीज हैं इस एक्सरसाइज में। चार जो हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, छह हमने कल पढ़ी थी, तो उन्हीं लास्ट दो आइडेंटिटीज को यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, फैक्टराइज दिस। ओके, सो 10th आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी, ये तो हमने लास्ट में दो पढ़ी थी। जो हमने 8th आइडेंटिटी अगर मैं कहूँ, डेट वॉज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, हमने एबीसी से पढ़ी थी। आप एबीसी से करो या जिससे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये पढ़ी थी हमने। दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ ये आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी। ओके ओके, सो ये पढ़ी थी हमने, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सो वी विल यूज दिस आइडेंटिटी हियर। सो 27 3 का क्यूब, सो 3x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3ABC। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड विल बी ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर, ए 3x प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए। सो ओपन द ब्रैकेट, जो सेकंड ब्रैकेट में है, 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3 स्क्वायर विल बी 9, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। सो सिंपल आइडेंटिटीज हमें पता होनी चाहिए, उन्हीं आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमें फैक्टराइज करना है। सो टोटल 10 आइडेंटिटीज, 10 की 10 हमें याद होनी चाहिए। जहां भी जो सुटेबल आइडेंटिटी यूज हो रही है, उसे हम यूज करें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 12। वेरीफाई दिस इज इक्वल्स टू दिस। टू वेरीफाई दिस, लेट अस टेक राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ भी और एक्सपेंड नहीं कर सकते, तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज रहेगी। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। नाउ
Here we will use the identity a minus b whole square, that is equals to a square plus b square minus 2ab. A square plus b square minus 2ab. A square plus b square minus 2ab. Now after that half first bracket as it is. Now यहाँ पे देखिए x square की मेरे पास दो term है, y square की भी दो term है. And z square is also 2 times. So it will become 2x square plus 2y square plus 2z square minus 2xy minus 2yz minus 2zx. Now, half x plus y plus z, 2 is common from this bracket, x square plus y square plus z square माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये कैंसल हो गया. और ये जो राइट हैंड साइड है ये हमारी आइडेंटिटी है, डेट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड, डेट इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हेंस बाय यूजिंग आइडेंटिटी. और लेकिन अगर इसे प्रूव करने के लिए कहा हो तो क्या करोगे, पहले x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, देन y को, देन z को. लेकिन हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी दिस, दिस इज इक्वल्स टू दिस व्हिच इज लेफ्ट हैंड साइड. सो इट्स वेरी इजी, सिर्फ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए. बार बार मैं बोल रही हूँ आइडेंटिटीज सही लगानी है, करेक्ट याद होंगी तो करेक्ट यूज होगी. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट वन. इफ x प्लस वाई प्लस जेड जीरो देन दिस. नाउ वी नो दैट आइडेंटिटी जो हमने अभी करी है उसी की बात हो रही है. वी नो डेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. नाउ हमें कहा है कि इफ दिस इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू जीरो, तो राइट हैंड साइड में जीरो इंटू समथिंग विल बी जीरो. एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, सो जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, लेफ्ट हैंड साइड विल रिमेन सेम. नाउ माइनस थ्री एक्स वाई जेड विल गो टू राइट हैंड साइड. X cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. और यही हमें प्रूव करना था. सो हमें पता है कि ये आइडेंटिटी है हमारे पास, उसमें x plus y plus z is zero given है, तो उसको पुट किया हमने, x plus y plus z की वैल्यू जीरो, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो, तो माइनस की 3xyz जब राइट हैंड साइड गई इट विल बिकम पॉजिटिव, एंड दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव. मूविंग टू द नेक्स्ट. Without actually calculating the cubes, okay. अब हमें cubes find नहीं करने. Let x is equals to minus 12, y 7 and z 5, right? Now x plus y plus z, minus 12 plus 7 plus 5 is equals to 0. We know if x plus y plus z is equals to 0, then अभी हमने previous question में ही prove किया. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड. नाउ एक्स इज माइनस 12, वाई इज 7, जेड इज 5. तो सिंपली मुझे पूरा इनको अलग अलग क्यूब करके ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी. वी यूज दिस आइडेंटिटी हियर एंड सॉल्व द वैल्यू. 7 5s आर 35 इंटू 3, 35 इंटू 3 इंटू 12, 105 into 12, या आप कर सकते हो 12 threes are 36 into 35, और टू डिजिट्स की मल्टीप्लीकेशन की मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई है, तो उससे सॉल्व कर सकते हो. तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 36 को 35 से. 6 5s are 30, 3 is the carry over, 5 threes are 15 and 6 threes are 18, 18 plus 15, 33 plus 3, 36, 3 3s are 9 plus 3, 12. So answer will be minus 1260. This is the answer. Moving to the second part, same इसी method से होगा.
एक्स इज 28, वाई इज -15 एंड जेड इज -13. सो दिस इज गिवन. तो फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड. 28 प्लस -15 प्लस -13. सो 28 -28 जीरो. नाउ इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू जीरो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz. एक्स इज 28, वाई इज -15, जेड इज -13. 28 इंटू 3, 8 3 जार 24, 2 3 2 जार 6 प्लस 2 8. सो 15 इंटू 13, 5 3 जार 15, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5 8 प्लस 1 9. सो 195. सो 195 को 84 से कर लीजिए मल्टीप्लाई, यू विल गेट द आंसर. सो 08 3 1 6 3 8 0. सो 1 6 3 8 0. तो हमें एक्चुअली क्यूब फाइंड नहीं करने हैं. बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, इफ सम ऑफ द थ्री टर्म्स इज जीरो, देन सम ऑफ देयर क्यूब्स विल बी इक्वल टू 3xyz. बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ थ्री नंबर्स. चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स आएगा, तो इसी आइडेंटिटी को यूज करके आपको आंसर फाइंड कर. नेक्स्ट वन, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ इफ द एरिया इज गिवन. नाउ एरिया इज गिवन दिस 25a² -35a प्लस 12. वी नो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज एल इंटू बी. रेक्टेंगल की बात हुई है तो मीन्स मुझे इसे फैक्टराइज करना पड़ेगा. जो दो फैक्टर्स आएंगे दैट विल बी द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ. ओके, सो 25 इंटू 12, नथिंग इज कॉमन हियर. सो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करो. 2 2 जार 4 प्लस 5 9 एंड 1 10. सो 300 मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 300, ऐड करने पे चाहिए 35. ओके, सो अगर मैं छोटे नंबर्स देखूंगी 2 इंटू समथिंग तो 35 नहीं आएगा. तो लेट्स थिंक, या तो आप प्राइम फैक्टराइज करो इसे. 5 6 जार 30, 5 12 जार 60, 3 4 जार 12. सो फाइंड द फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई इनको करोगे तो 300 ही आएगा. आपको सम या डिफरेंस देखना है. 5 5 जार 25, 3 2 जार 6 2 जार 12. 25 एंड 12 को ऐड करोगे 35 नहीं आता. सो लेट्स चेक द अनदर फैक्टर. 5 3 जार 15, अगर एक 5 और 3 को कर लूं. 2 2 जार 4 एंड 5 20. सो 20 एंड 15 को ऐड करेंगे 35, लेकिन मुझे चाहिए माइनस के 35. तो दोनों फैक्टर्स शुड बी नेगेटिव क्योंकि प्रोडक्ट इज पॉजिटिव 300, राइट. सो वी विल स्प्लिट -35 को -20a -15a प्लस 12. सो लेट्स फैक्टराइज. 5 इज कॉमन. 5 5 जार 25, 5 4 जार 20. Now 3 is common. 3 5s are 15, 3 4s are 12. So one common factor is 5a minus 4, other will be 5a minus 3. And this is the area which is equals to length into width. So possible length may be 5a minus 4 units and breadth will be 5a minus 3 units. So these are the dimensions of the rectangle. Similarly, for the second part, we will find dimensions. So 35y² plus 13y, 35y² plus 13y minus 12. So this is the question. Yes. So this is given area. So area of rectangle is again length into width. So 35 ko kijiye multiply 12 se. 5 2s are 10. 3 2s are 6 plus 5 11 and 1 12. 3 1s are 3 and 1 4. 4 20. Multiply karne pe chahiye 4 20. Add karne pe chahiye plus 13. So factors find karte hai. 7 6 are 42.
5 12 60, 3 4 2 2 4। ओके नाउ 13 चाहिए, सो लेट्स चेक द फैक्टर्स। 5 3 15 एंड 7 2 14, 2 28, 28 एंड 50, 8 माइनस 5 13 इज देयर। सो 35 y² मल्टीप्लाई करने पे माइनस के चाहिए, बिकॉज 35 इज पॉजिटिव एंड 12 इज नेगेटिव, प्रोडक्ट मुझे माइनस चाहिए, तो दोनों में से एक टर्म नेगेटिव होगी, लेकिन सम पॉजिटिव चाहिए, तो बड़ी टर्म पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव। सो इट विल +28 y - 15 y। नाउ टेक कॉमन, सो 7 y इज कॉमन, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, -3 इज कॉमन, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12। सो वन कॉमन फैक्टर इज 5 y + 4 एंड द अदर विल बी 7 y - 3। सो दीज आर पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ इन यूनिट्स। तो जैसे हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते थे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, सेम वे से फैक्टराइज फाइंड किए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो फैक्टर होंगे, सिंस एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एक फैक्टर लेंथ होगा और दूसरा विड्थ। अब जरूरी नहीं है मैंने इसको लेंथ लिखा है तो आप भी इसी को लेंथ लिखो, हो सकता है आपने इसको विड्थ मान लिया हो, सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल कि आप किसी को भी लेंथ और किसी को भी विड्थ मान सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज साइड क्यू, वी नो। ओके सो वॉल्यूम इज 3x² - 12x। सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर हियर, 3x, सो रिमाइंडर विल बी जो फैक्टर बचा x - 4। नाउ देयर आर थ्री टर्म्स, 3x एंड x - 4। अब अगर क्यूब की बात हो तो साइड क्यूब, लेकिन यहाँ पे क्यूबॉइड कहा है तो l इंटू बी इंटू एच, सो दिस विल बी लेंथ, दिस विल बी ब्रेथ एंड दिस विल बी हाइट, और साथ में लिखेंगे यूनिट। ओके नाउ नेक्स्ट वॉल्यूम इज गिवन, 12 k y² + 8 k y - 20 k। ओके सो 4 इज कॉमन, नाउ k इज कॉमन, 4 3 जा 12 y² 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ब्रैकेट में जो हमारे पास बचा है दैट इज क्वाड्रेटिक, सो सॉल्व करेंगे 5 3 जा 15 एंड 2। सो 2y, 5 3 जा 15, सो 5y - 3y 2y, सिंपल फैक्टर्स हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो इन दोनों को मैं एक साथ ले लेती हूँ ताकि कॉमन आ जाए 3y, सो y - 1, बाकी दोनों को एक साथ लिया तो 5 इज कॉमन, y - 1। सो पॉसिबल फैक्टर्स आर 4k, y - 1 इज द कॉमन फैक्टर, अदर फैक्टर विल बी 3y + 5। सो लेंथ आप 4k को मान लो, जैसे भी मानना चाहो, लेंथ विथ एंड हाइट। सो l इज इक्वल्स टू 4k, ब्रेथ इज इक्वल्स टू y - 1 एंड हाइट विल बी 3y + 5u। सो सिंपली जो हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सीखा है उसी को यूज करते हुए एरिया ऑफ रिक्टेंगल या वॉल्यूम गिवन है उससे हम डायमेंशंस को फाइंड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.4। यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर होता है फिनिश। नाउ वी विल मूव टू द एग्जाम्पलर जो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हैव अ नाइस डे एवरीवन।